जनपद जालौन के विकास भवन सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में उन लड़कियों को सम्मानित किया गया। इस योजना के माध्यम से 20 लड़कियों को चयनित कर उनकी पढ़ाई का जिम्मा समाज सेवियों और अधिकारियों ने लिया। बताते चले कि किशोरी शिक्षा समाधान योजना की शुरुआत जालौन जिले में 3 साल पहले जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर के प्रयासों से हुई थी। योजना के तहत उन लड़कियों को चिन्हित किया गया जिन्होंने बीहर क्षेत्र में रहने के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी या जिनके माता पिता ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपनी बच्चियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़ा दी थी। जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने बताया कि जिले में ज्यादातर छात्राएं 9वीं और 10वीं में अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं क्योंकि स्कूल उनके गांव से दूर पड़ता है। बीहर क्षेत्रों में रहने की वजह से लड़कियां स्कूल नहीं पहुंच पाती हैं। सुविधाओं की कमी को देखते हुए प्रशासन ने किशोरी शिक्षा समाधान योजना के तहत लड़कियों का दाखिला कस्तूरबा गांधी स्कूल में कराया, जहाँ उनको रहने की सुविधा दी गई। पिछले 2 वर्षों में ऐसी 250 लड़कियों की पढ़ाई 10वीं तक की पढ़ाई को पूरा कराया गया है और आज वह 11वीं में दाखिला ले चुकी हैं। उनकी पढ़ाई का जिम्मा समाज सेवी और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर उठा रहे हैं, जिससे बच्चियों को सशक्त बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। आज ऐसी 19 लड़कियों को सम्मानित किया गया जो जिले के अलग अलग ब्लॉक से आती हैं। आज समाज सेवियों की तरफ से उन्हें बुक्स, बैग, मोबाइल और साइकिल दिया गया है। जो मुझे लगता है कि हमारी बच्चियों के पास सपने हैं, उन सपनों को उड़ान देना हमारे समाज का दायित्व है। तो आज शायद जब हमारा समाज आगे आया है तो मेरे ख्याल से इन बच्चियों के जो सपने हैं और जो इनके अंदर हुनर पहले से ही है उसको हम लोग और निखरता हुआ देख रहे हैं और हम कामना करते हैं कि उनके सपनों को जितनी ऊंची उड़ान मिल सके वो हम लोग